यदि आप विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से कार खरीदने व बेचने के इच्छुक हैं, तो यह खबर जरा ध्यान से देख लें। अजमेर में पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां ऑनलाइन कार खरीदने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। ताज़ा मामला अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ऑनलाइन कार खरीदने के नाम पर ठगी का शिकार हुआ और 1,20,000 रुपए गवा बैठा। रामगंज पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार चंद्रोदय नगर में रहने वाले अरविंद कृष्ण ने ऑनलाइन कार खरीदने का करार दिया। अरविंद ने कार बेच रहे व्यक्ति की पहचान के बिना ही उसके खाते में पेटीएम के माध्यम से 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अरविंद को ठगी का एहसास उस समय हुआ जब पैसे बैंक में ट्रांसफर होने के बाद कार बेचने वाले ठग ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। इस मामले में रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर ठग की तलाश शुरू कर दी है। कल अरविंद कृष्ण नाम का लड़का है, जो चंद्रवरदाय का रहने वाला है, उसने एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया है। उसने ऑनलाइन गाड़ी, फोर व्हीलर गाड़ी ऑनलाइन देखी थी। उस गाड़ी के बदले उसने अलग अलग किस्तों में 1,20,000 रुपये पेटीएम से उनके अकाउंट में जमा करा दिए। अब वो बंदा न तो उसको गाड़ी दे रहा है, न पैसे दे रहा है। इस संबंध में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जाए। ऑनलाइन खरीदी उसको, उसके टेलीफोन नंबर है, सामने वाले को जानता नहीं है। ऑनलाइन उसने ऑनलाइन गाड़ी देखी थी, ऑनलाइन देखी थी उसने, और ऑनलाइन देख कर उसके केवल अकाउंट नंबर है और मोबाइल नंबर है। उसके गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी है, 1,20,000 जमा करा चुका है, इनके करीब 1.5 लाख में सौदा हुआ था। तो बाकी पैसे, अब वो पैसे भी नहीं दे रहा, गाड़ी भी नहीं दे रहा। क्या नाम है सर? अरविंद कृष्ण।